Good morning, children. How are you? Hope you all are fine, children. This is your English class, children. Please take out your English reader book. Hurry up, go and bring your English reader book, children. Okay. Now, open page number 73. All right, page number 73, chapter number 20, a picnic. What is the spelling of picnic, children? P-I-C-N-I-C, picnic. Okay, so take out, open page number 73, a picnic. There are new words, children. Picnic, musical, boats, hole, brave. पिकनिक को हिंदी में भी पिकनिक कहते हैं, ठीक है चिल्ड्रन. म्यूजिकल मीन्स संगीत में, ठीक है. बोट, बोट आप जानते हैं. नाव, होल मीन्स छेद. एंड ब्रेव मीन्स बहादुर. यस, सो लर्न द लर्न न्यू वर्ड्स चिल्ड्रन. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सी चिल्ड्रन गो टू अ लेक फॉर पिकनिक. चिल्ड्रन जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? सब पिकनिक के लिए लेक, लेक के पास जा रहे हैं पिकनिक करने. ओके चिल्ड्रन, आह चिल्ड्रन, आह दिस इज अ म्यूजिकल गार्डन. लुक एट दीज चिल्ड्रन. बच्चों ने कहा आहा दिस इज अ म्यूजिकल गार्डन. यहाँ देखो, इन चीज़ों को देखो. ओके, दीज बर्ड्स आर सिंगिंग, दोज आर टॉकिंग. चिल्ड्रन, आई हैव गिवन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज एंड दोज, इजंट इट, इन प्रीवियस क्लासेस. सो चिल्ड्रन आर शोइंग बर्ड्स, बोट, यस, ट्रीज. तो जो नज़दीक में है उसको दीज करके दिखा रहे हैं और जो चीज़ें दूर हैं उसको दोज करके दिखा रहे हैं. दीज बर्ड्स आर सिंगिंग, ये सारी चिड़ियाँ जो है वो गाना गा रही हैं. दोज आर टॉकिंग, और कुछ बर्ड्स जो काफ़ी दूर हैं वे बातें कर रही हैं. ओके, सो बच्चों ने ऐसा कहा. ओके, नाउ सेकेंड पैराग्राफ. स्पैरो, स्पैरो क्या होती है? एक चिड़िया होती है स्पैरो, ठीक है, गौरैया चिड़िया, जिसको आप गौरैया कहते हो ना हिंदी में, छोटी सी चिड़िया, उसको इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं चिल्ड्रन. और स्पेलिंग क्या है स्पैरो की? एस पी ए आर आर ओ डब्ल्यू, स्पैरो, ठीक है. तो स्पैरो जो है, अब पैरट, पैरट, सी दीज गर्ल्स, दे आर हैप्पी. पैरट, पैरट, सी दीज गर्ल्स, दे आर हैप्पी. पैरट, दोज बॉयज, क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है. चिड़िया जो बातें कर रही थी वो यहाँ दिखा रहा है. तो स्पैरो क्या बोल रही है पैरट को? एक स्पैरो है जो पैरट को आप पिक्चर में देख रहे हैं चिल्ड्रन, हियर, यहाँ पे देखिए, एक स्पैरो जो है वो पैरट को बोल रही है, पैरट, पैरट, मत तोते, तोते सुनो, उन लड़कियों को देखो, दे आर हैप्पी, वे बड़ी खुश हैं, ठीक है. तो पैरट क्या कहता है? Those boys are go to the lake. They sit in those yellow boats. तो पैरट कह रहा है कि ये जो लड़के हैं ये लोग लेक की तरफ जा रहे हैं और जो येलो येलो बोट है ना लेक के अंदर, ये लोग उसमें बैठेंगे. ओके, फिर स्पैरो क्या कहती है? These girls have balloons. The balloons are big. तो स्पैरो कह रही है कि इन लड़कियों के पास बलून है और बलून जो है वो बड़ा है. दीज गर्ल्स हैव बलून्स, द बलून्स आर बिग. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बलून चिल्ड्रन? बी ए एल एल ओ ओ एन एस, बलून्स. ओके, तो स्पैरो ने क्या कहा कि इन लड़कियों के पास बलून है और ये बलून जो हैं बड़े हैं. ओके, नाउ सी हियर पैरट, फिर से पैरट कुछ कह रहा है. देखें पैरट क्या कहता है. लुक एट दीज क्रोज, दे प्रिक द बलून्स. अच्छा, ये देखो इन क्रोज को, ये लोग प्रिक कर रहे हैं बलून को, चोंच से मार रहे हैं, है ना.
ओके स्पैरो, ओह दिस गर्ल्स आर सैड. तो स्पैरो ने क्या कहा कि ओह दिस गर्ल्स आर सैड, ये गर्ल्स जो हैं वो उदास हो गए क्योंकि जो क्रो हैं वो बलून्स को फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, छीनने की कोशिश कर रहे हैं ना. तो ये गर्ल्स जो हैं वो सैड हो गई. आप भी हो जाओगे ना चिल्ड्रन, अगर आपके पास बलून हो और उसको कोई क्रो ऐसे तोड़ देने की कोशिश करे, है ना. नाउ नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज, पेज नंबर 74. सी पैरट. अब पैरट क्या कह रहे हैं, लुक एट दोज बोट्स, दीज येलो बोट्स हैव होल्स. अब पैरट कह रहा है कि देखो इन बोट्स को, देखो इन बोट्स में छेद है. होल मीन्स छेद, मैंने आपको पहले बताया ना चिल्ड्रन. तो एक पैरट ने कहा लुक एट दीज बोट दोज बोट्स, देखो उन बोट्स को इनमें छेद है. द वॉटर इज इन साइड द बोट, बोट के अंदर पानी आ रहा है छेद में से, है ना. द वॉटर इज इन साइड द बोट, बोट के अंदर पानी आ रहा है. नाउ स्पैरो, स्पैरो इज सेइंग समथिंग. लेट्स सी what sparrow is saying. These girls run to the lake. They have a rope. अब कुछ लड़कियाँ, ये लड़कियाँ जो हैं वो लेक की तरफ दौड़ रही हैं, उनके हाथ में रस्सी है. रोप मीन्स रस्सी चिल्ड्रन, एंड वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ रोप, आर ओ पी ई, रोप. ओके, सो स्पैरो सेड कि दीज गर्ल्स रन टू द लेक, ये जो लड़कियां हैं ये लेक की तरफ दौड़ रही हैं, एंड दे हैव अ रोप, इनके हाथ में रस्सी है. ओके, नाउ पैरट इज सेइंग समथिंग अगेन, लेट्स सी. दोज टू बॉयज स्विम, देखो वो दो बच्चे जो हैं वो स्विम कर रहे हैं. यू कैन सी ना इन द पिक्चर चिल्ड्रन, दोज बॉय, Those two boys swim. वो दो बच्चे जो हैं वो पानी में तैर रहे हैं, ऐसा पैरट ने कहा. Now again sparrow is saying something. Those boys hold the rope. वो बच्चे हैं, वो लड़के हैं, उन्होंने रोप को पकड़ लिया है, रस्सी को पकड़ लिया. The girls pull out the two boys with the help of the rope. अब लड़कियां क्या कर रही हैं, और रस्सी को खींच रही हैं जिससे कि वो लड़के जो हैं वो बाहर आ जाएं, है ना. ओके, नाउ दे आर आउट ऑफ द लेक, और अब वो बच्चे जो हैं लड़के वो लेक से बाहर आ गए हैं, झील से बाहर आ गए हैं. लेक का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, झील. ओके, तो स्पैरो ने कहा कि लड़कियां जो हैं उन्होंने रस्सी फेंका पानी में और बॉयज उसको पकड़ के झील से बाहर आ गए हैं, ठीक है. नाउ पैरट इज सेइंग द बॉयज आर हैप्पी, द गर्ल्स आर ब्रेव. लड़कियां जो हैं वो बहुत ब्रेव हैं, बहुत बहादुर हैं, और बॉयज जो हैं वो अब खुश हो गए. हैप्पी का मतलब वॉट, खुश होना. ओके चिल्ड्रन, सो द गर्ल्स आर ब्रेव, द बॉयज आर हैप्पी. गर्ल्स बहुत बहादुर हैं, गर्ल्स बहादुर हैं ना चिल्ड्रन, उन्होंने लड़कों की जान बचा ली, है ना, और वो इंटेलिजेंट भी हैं. उन्हें समझ में आ गया कि अगर रस्सी फेंकी जाएगी लेक में तो बॉयज उसको पकड़ के बाहर आ जाएंगे और उनकी जान बच जाएगी, है ना. सो लड़कियां ब्रेव भी हैं एज वेल एज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, यस. तो दिस वॉज द स्टोरी अ पिकनिक. ऑलराइट, आप कभी पिकनिक पे जाएंगे तो केयरफुल रहेंगे चिल्ड्रन, यस ना, केयरफुल रहिए और इन्जॉय कीजिए जब भी पिकनिक पर जाएं तो, ठीक है. बोट में बैठें तो पहले चेक कर लें कि बोट करेक्ट है कि नहीं, सही है कि नहीं, ठीक है. सो दैट वॉज द स्टोरी. नेक्स्ट, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर. ऑलराइट, सो योर होमवर्क इज चिल्ड्रन, वॉट यू हैव टू डू, you have to read the chapter once, okay? You have to read the chapter once for reading practice. So do it. This is your homework, children. Read the chapter once. All right. And take a pencil. If you will find any word difficult, just mark it and ask me, what is the meaning of this word, ma'am? All right. So do it. Okay, children? What you have to do, you have to learn these new words, please learn it, new words, and then read the chapter once loudly at home. All right, and those words which you find difficult, you have to
mark it and you will ask it from me. All right? So that's all for right now. All right? About this chapter. Take care and read the chapter. Okay? Thank you, children.